पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के जन्मदिवस के अवसर को चंबा में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दिन चंबा के मुख्य चौक में जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, फल और जूस बांटकर वीरभद्र सिंह की लंबी उम्र की कामना की गई। इस दौरान बोलते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीरज नैयर ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हिमाचल और चंबा जिला ने विकास के नए आयामों को छुआ है और आज उनके जन्मदिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केक न काटते हुए कोरोना काल को देखते हुए लोगों को कोरोना से बचाव हेतु आवश्यक सामग्री वितरित की गई। वहीं इस दौरान लोगों को जूस भी बांटा गया। वीरभद्र सिंह चल निर्माता राजा वीरभद्र सिंह जी का आज जन्मदिवस है और पूरे प्रदेश के अंदर जो है हर क्षेत्र के अंदर ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जनता जो है राजा वीरभद्र सिंह जी का जो जन्मदिन है आज मना रही है और आज इस मौके पर हम सारे लोग मिलकर परमात्मा से एक दुआ मांगते हैं कि भगवान हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी जो हाल ही में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं IGMC में जल्द से जल्द IGMC से निकलें और हिमाचल की बागडोर जो है वो दोबारा से संभालें क्योंकि वो हमारे सबसे उच्च श्रेणी के लीडर हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल निर्माता हैं, अगर उन्होंने हिमाचल प्रदेश का खाका बुना है तो मेरा ऐसा मानना है उस खाके के अंदर जो रंग हैं वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने भरे हैं। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के अंदर जाओ आपको राजा साहब की जो बोलबाला है वो हर जगह मिलेगा। उन्होंने कभी ऊपरला हिमाचल, निचला हिमाचल, अपर लोअर, उन्होंने कभी कोई क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की। उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश का सम्मान जो है विकास किया है। मेरा ऐसा मानना है अगर आप चंबा के क्षेत्र के अंदर ही बात करें तो राजा साहब ने, मैं बोलता हूँ, यहाँ आपकी पानी की स्कीम, आपका डाइट इंस्टीट्यूट, आपका नीचे का कॉलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका नवोदय विद्यालय, आपका मेडिकल कॉलेज, ये सब जो प्रमुख जो चीज़ें हैं आपके स्कूलों की, तो मैं गिनती करना शुरू करूंगा तो शायद कोई लिमिट नहीं रहेगी। तो राजा साहब का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और जो उन्होंने किया है मैं नहीं सोचता कि कोई और लीडर इतने बड़े स्तर का आने वाले वक्त पर इतने लंबे तौर पर राजनीति के अंदर राज कर पाएगा। उन्होंने मेरे पिताजी के साथ काम किया, फिर मेरे साथ भी काम किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने बड़े श्रेणी के व्यक्ति के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। और हम सब आज कांग्रेस वर्कर जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि राजा साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हों और हमारे सिर पर उनका हाथ रहे और कांग्रेस को 2022 की इलेक्शन में वो बागडोर संभालें और कांग्रेस जो है विजय की तरफ जो है उनकी छत्र छाओं में अग्रसर हो, मेरा ऐसा मानना है। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।